नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे आप सभी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या आपका जो है टर्निंग पॉइंट सब्जेक्ट होगा, किस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, उन सब पे हम लोग विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस बैच का जो आपका ये कंप्यूटर ऑपरेटर है इसका एक बैच भी चल रहा है संस्था के द्वारा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच को परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। तो अभी मैं आप बात करूंगा कि आपका सबसे पहली बात कि आपको पता चल ही गया है, जो नोटिस आया है, कैलेंडर आया है कि कंप्यूटर ग्रेड ए की वैकेंसी आएगी। ठीक है, कुछ बच्चों के भ्रम में था कि नहीं आएगी इस बार, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आएगा क्योंकि रेडियो ऑपरेटर पब्लिश हो गया था और मैं उसी समय से बोल रहा था कि कंप्यूटर ऑपरेटर आनी है। 693 पोस्ट जितना बोला था उतना ही यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, तो विश्वास करिए इस टीम जो भी खबर देती है वो 100% सत्य देती है। तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि रेडियो और ये दोनों साथ ही आने वाले थे तो रेडियो पहले पब्लिश हो गई थी, तो जो सबसे पहले चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपके रेडियो ऑपरेटर के बाद जो आई है कंप्यूटर ऑपरेटर यही पब्लिश होगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर पहले हो चुका और उसका अब लास्ट डेट भी चल रहा है तो फॉर्म बंद हो जाएगा। तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर का आएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि हम तैयारी कैसे करें इसकी। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट है और इसमें कंपटीशन लेवल क्या होगा, अभी तक जो डिफरेंट एग्जाम हुए हैं उनमें प्रश्नों का स्तर क्या हुआ और यहाँ पे प्रश्नों का स्तर क्या होगा, उस सभी पर बात में हम लोग जिक्र करेंगे कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस उठ सकते हैं और क्या आपके टर्निंग सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास पहले से ही 3-4 मंथ का रोड मैप होना चाहिए कि हमें 3-4 महीने लगेंगे एग्जाम को कवर करने में। ऐसा नहीं होता है कि आप 1 महीने में कोई एग्जाम क्रैक कर लोगे। वो बच्चों उनके साथ होता है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, फिर वो कहते हैं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन हैं हो पाएगा कि नहीं। तो वो लिमिटेशन ना रखो अपने पे, तैयारी इतनी कर लो कि सीधे आर पार, सीधे सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हाँ अगर 200 मार्क्स का है तो आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो चाहे 160 क्वेश्चन इसमें होते हैं तो 200 मार्क्स के होते हैं, 1.25 का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर आपके 200 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आप कम से कम 170 180 नंबर पाओ। ठीक है, तो इतना टारगेट लेके चलो, उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी पहले से करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे एक अहम बात है कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। दूसरी बात है कि जो पेपर हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के, ठीक है, 2016 में वैकेंसी आई थी, शायद 17 या 18 में पेपर हुआ था। एक आपका जो आया था वो बैकलॉग वैकेंसी आई थी 600 समथिंग पोस्ट, एक 1800 के प्रोक्स वैकेंसी आई थी। उन दोनों के पेपर अगर नहीं मिलते हैं तो आप परीक्षा प्लस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं डलवा दूंगा। ठीक है, पेपर, उस पेपर को एनालाइज करो साथ ही साथ। ठीक है, कंप्यूटर जो आपका ASI में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हूबहू सिलेबस है, लेकिन आप क्वेश्चंस को वहां से एनालाइज कर सकते हो कैसे पूछे गए हैं। बाकी रीजनिंग का जो पोर्शन है 40 क्वेश्चन आपका आने वाला है, GS का जो 40 क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप जितने भी विभिन्न परीक्षाएं हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे आपका SI हो, चाहे ASI हो, इधर जितने एग्जाम हुए हैं NSIT ने कराया है, ठीक है, उसके जो आपका पेपर है उसको अच्छे से निकालो, प्रिंट करो, उसके हर एक क्वेश्चन को हर सिलेबस से देखो कि कितना ये सिलेबस से मैच करके क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पेपर सॉल्यूशन भी कराऊंगा और बताऊंगा भी कि जो पॉइंट उसने सिलेबस में दिया है वहीं से क्वेश्चन उठाया है। तो दो चीजें मेन है, आपको तैयारी शुरू करना है तो पहले सिलेबस होना चाहिए और पुराना पेपर होना चाहिए आपके पास प्रीवियस ईयर, कि आपको कैसे वहां पर प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद से बात आ जाती है कि शुरुआत मैंने बता दिया कि आपको शुरू कैसे करना है तैयारी। तो पहले सिलेबस आ गया और कोई 1 महीने में प्रिपरेशन नहीं होती है और आपको लगता है कि हम 1 महीने में कर ले जाएंगे तो एकदम गलत हो, क्योंकि जो कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे जब पेपर में कराऊंगा
तो उस पेपर में इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं जो ना आपको किसी किताब में मिलेगा, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये डिफरेंट, ये देखो हमेशा वैकेंसी आती नहीं है तो बस ये सभी लोग पढ़ाते भी नहीं है। आपको जर्नल जो मार्केट में किताबें भी मिलेंगी कंप्यूटर की, वो बैंक और SSC में जो क्वेश्चन आते हैं उसी से भरी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्तर है वो बहुत डिफरेंट है, आपके ASI से भी डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। ASI में तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के स्तर दिखाऊंगा जब पेपर सॉल्व कराऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं बात करूंगा। रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उठा के GS उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया आज ही से 40 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब आप पैटर्न जानते हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पैटर्न है, कंप्यूटर ऑपरेटर का इसमें क्या पैटर्न है आपका, 80 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर का है, 80 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का है। उसके बाद से आपके GS का कितना है, 40 क्वेश्चन है, और रीजनिंग जो है वो क्या है, 40 क्वेश्चन है। अब ये 80 क्वेश्चन कि आप शुरुआत में, अरे हम GS पढ़ना है, सर हिस्ट्री की क्लास नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा है, हिस्ट्री हम कहां से पढ़े, ज्योग्राफी कहां से, अरे आप सिलेबस देखो कितने, आप पेपर देख लो, ASI में मिनिमम से एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा है, एक से दो क्वेश्चन पॉलिटी, मैक्सिमम स्टैटिक डाटा पूछा है, और जो उसने टॉपिक डिपिक्ट किया है वहीं से क्वेश्चन उठाया, सिंधु जल समझौता हुआ, साइबर क्राइम हुआ, ठीक है, जो आपके सोशल मीडिया वाले मल्टीमीडिया वाला जो आपका उसमें बताया गया है, उसके बाद से आपके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके पड़ोसी देश हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो उसने स्टैटिक में डेटा दिया वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, ये आप लास्ट के एग्जाम डेट आपको जब पता चल जाए तो लास्ट के आप एक महीने में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, लास्ट के वन मंथ में, ठीक है। तो GS पे हमें, और इतना ब्रॉड होता है, आपने किसी भी बच्चे से बात करो, चाहे आप लोग भी ASI दिए होगे, तो GS में ही सभी के कहीं हो रहे हैं कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पा रहा है। इसीलिए GS जो होता है कि वो ब्रॉस्ट है, उसका सिलेबस कहां से क्या पूछ दे कुछ भी नहीं पता, तो अभी से लगोगे तो वो आपको हानिकारक, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अभी से पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है लेकिन इसको सबसे कम समय देना है, ठीक है। सिलेबस में सबसे ज्यादा 80 क्वेश्चंस का आपका क्या है, कंप्यूटर है, तो इसको ज्यादा समय देना है, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा समय देना, जो पढ़ो एकदम ठोस पढ़ो क्योंकि ये आपके लिए नया होगा, ठीक। बाकी सब GS हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सभी को आता है जो तैयारी कर रहे हैं आपके शुरू से, और जो अभी सोच रहे होंगे देने के लिए, उनके लिए तो सब पे मेहनत करना है, तो ये ध्यान रखो जिस पे, क्योंकि कंप्यूटर सभी को नहीं होता, और कंप्यूटर पे अगर आप मेहनत कर ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आप पढ़े हो उसी से क्वेश्चन आता है, अगर उतना कर ले गए तो रीजनिंग और कंप्यूटर, ये दोनों ही स्कोरिंग है, दोनों सिलेक्शन आपके कराएंगे और अच्छी मेरिट से कराएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूटर कहां से पढ़े, देखो इसका जवाब मैं देता हूं कि कंप्यूटर आपको कहां से पढ़ना है, तो कंप्यूटर भाई साहब, कंप्यूटर के लिए आप सोचो कि पूरे मार्केट में हम छान मारे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कोई किताब नहीं बनी है, जैसे ASI का सिलेबस जो था कोई किताब नहीं बनी थी, वहां से आप नहीं पढ़ सकते हो। आप अगर सोचो कि SSC और जो बैंक वाले कंप्यूटर अवेयरनेस की किताब आती है अरिहंत की और बाकी सबकी, उससे हम कवर कर ले जाएंगे, तो ये एकदम गलत रास्ता है। तो मार्केट में इसकी कोई भी किताब नहीं उपलब्ध है, तो आप इसे नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए टीम, हमारी टीम जो है परीक्षा प्लस, मेहनत कर रही है, मैं खुद ही उसका कंटेंट डिजाइन करता हूं, जितने चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं उसके कंटेंट मैं आपको देते जाता हूं। ASI में भी मैंने ऐसे किया था, और जितना जो बच्चे बैच से जुड़े थे उनसे तो फीडबैक आप ले ही सकते हो कि सबके सब तो एकदम पार हैं, वो कहीं बाउंड्री पे नहीं है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ मेरे लास्ट के फ्री क्लासेस देख लिए थे, जो मैं YouTube पे अभी भी है आप देख लेना, और ASI के पेपर उठाकर उसके क्वेश्चंस मिला लेना, हूबहू वही क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने फ्री क्लासेस में कराए थे। तो बच्चों ने कहा कि पूरा परीक्षा प्लस वालों का जो है उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने क्या किया, टेप दिया है, छाप दिया है, तो ये ऐसे है, तो वहां से उन्होंने जो है जो मैंने कराया वो पूरा का पूरा फंसा। अब यहां पे मार्केट में आपको नहीं उपलब्ध होगा, तो मैं आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक वाइज कराऊंगा, चैप्टर वाइज आपको जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे नोट्स देता जाऊंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मार्केट पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सिलेबस में चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर पता चले आपको ही इंजीनियरिंग की, चाहे कोई कोई भी किताब, कोई डिप्लोमा की किताब पढ़ने लगो उससे रिलेटेड, तो वो इतनी डीप होगी कि फिर आप एक ही चैप्टर को उतना समय दे दोगे कि फिर दिक्कत हो जाएगा, आप वहां से फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है,
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कितने घंटे पढ़ने हैं। अरे भाई देखो, घंटा जितना भी हो, मैं तो यही कहूंगा कि आज से ही आप ये मानो कि 6 से 7 घंटे आपको निकालना है आपके प्रिपरेशन के लिए, तभी जाके आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6-7 घंटा लगातार पढ़ो, ऐसा कोई नहीं पढ़ पाता है। ब्रेक लो, 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी हो, इसमें ब्रेक भी लेते रहो, 20-20 मिनट का ब्रेक लो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो अपने जो टाइम टेबल हो, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंने जो बताया कि अगर कंप्यूटर है तो इसको दिन भर में आपको 2 से 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी आपके पास 6 घंटे में 3 घंटे और बचे, 3 घंटा मिनिमम का दो, इसे 2.5 से 3 घंटा, बाकी 3 घंटे में आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो, साथ ही साथ चलते रहोगे तो बेटर रहेगा। जितना लेट करोगे, क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उतना ही आपको समस्या होगी। और जब साथ साथ पढ़ोगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का जो प्रैक्टिस है वो सब कुछ आपका होता रहेगा और एकदम लास्ट तक पूरा हो जाएगा। और लास्ट में जो आपका मैं प्रैक्टिस कराता हूं, तो बस आपको भी उतना ही प्रैक्टिस करना होगा, तो स्कोर जबरदस्त आएगा, तो ये ध्यान रखना। तो बाकी जो आपके समय बचे हैं वो रीजनिंग को देना है, बाकी आपका जो जीएस वाला सब्जेक्ट है तो जीएस में आप पॉलिटी को सबसे पहले उठा के पढ़ सकते हो, जो एकदम आसान है। बाकी जो स्टैटिक वाली चीजें जो भूल जाती हैं, ठीक है, उसको मैंने बताया ना 1 महीने में आपको पढ़ना है वो चीजें, क्योंकि और स्टैटिक डेटा कलेक्ट हो जाएंगे करंट से रिलेटेड। अभी पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हो, पॉलिटी के बाद आप थोड़ा सा ज्योग्राफी स्टार्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा, जितना जल्दी कवर करो, अगर वनडे के हिसाब से चलो तो बहुत जाएगा, तो 10 से 12 दिन में आप पॉलिटी को खत्म कर सकते हो, बाकी रिवीजन कर सकते हो। ज्योग्राफी है, ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद से कहीं आप हिस्ट्री उठाओ, उसमें भी मॉडर्न इंडिया को ज्यादा टारगेट करो, 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बाद से आप कहीं साइंस में बायो को टारगेट करो। तो ये आपके जो है पार्ट होंगे पढ़ने के लिए, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो स्टैटिक पोर्शन से आएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंधु जल समझौता हुआ, ठीक है, यूपी हुआ, इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले करता है यूपी स्पेशल, ठीक है। तो साथ ही साथ जो ये मैंने बताया पॉलिटी उठाओ, और साथ ही साथ यूपी भी पढ़ते रहो, करंट की चीजें भी यूपी में देखते रहो, ये चीजें हैं। अब करंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, करंट यूपी से आ जाएगा, ठीक है, और 1-2 फेमस चीजें जैसे ऑथर है हुआ तो वो भी करंट से पूछ लेगा, ठीक है, कोई भी अगर कोई नया स्कीम आई है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी से पूछ लेगा, ठीक। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ नया हुआ है, डिफेंस भी आपका एक टॉपिक है इसमें, तो वो भी पूछ लेगा। इकोनॉमिक्स में कुछ नया चीजें हुआ है करंट में, तो वो पूछ लेगा, तो ऐसे जाएगा, जैसे FDI है, ये सब चीजें हैं टॉपिक, तो वो सब पूछ सकता है आपको। तो साथ में आपको क्या क्या लेके चलना है, लेके तीनों सब्जेक्ट चलना है, लेकिन टाइम सबसे ज्यादा किस पे देना है, कंप्यूटर पे देना है, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग पर देना है, जीएस को ज्यादा अभी नहीं वेटेज देना है। रीजनिंग में क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन कौन किताबों से नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन। आप सोचो कि नहीं मैं ये मास्टर इन रीजनिंग कर लूं, उस पर प्रैक्टिस कर डालूं, पूरी किताब लगा लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जितने भी प्रीवियस ईयर NSIT के पेपर हुए हैं उनको उठाओ और उनके पैटर्न को देखो कि कैसे पूछ रहा है। जैसे SI का पेपर हुआ, 42 शिफ्ट में पेपर हुआ है, पूरा पेपर डाउनलोड कर लो, नेट पे मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप परीक्षा प्लस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे मैं दिलवा दूंगा। SI के 4 पेपर हैं वो कर लो, उसके बाद से इसके प्रीवियस ईयर कर लो, वो भी NSIT ही कराई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो है प्रीवियस ईयर 2 पेपर मिल जाएंगे आपको, ये भी 2 शिफ्ट में हुए थे, 4 पेपर हो जाएंगे, तो ये भी आपको सब मिल जाएंगे। तो इनसे आपको क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चल जाएगा कि कैसे NSIT पेपर जो है कराती है। तो एजेंसी का होना भी बहुत जरूरी, कि एजेंसी के बारे में आप जानो कि कौन सी एजेंसी करा रही है, तो NSIT ही कराएगी इसको, जाहिर सी बात है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। वो टेंडर के मामले में ना पढ़ो कि कांस्टेबल के लिए अलग से टेंडर किया गया, क्योंकि वो ऑफलाइन एग्जाम है, ये ऑनलाइन है। जैसे रेडियो ऑपरेटर है तो उसको भी NSIT ही कराएगी, इसको भी NSIT ही कराएगी, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही NSIT पेपर बनाती है। आप लोग SI में देख लिए होंगे और ASI में देख लिए होंगे, और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप देखे होंगे, ठीक। सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का, तो देखिए सोर्स जो होगा वो मैंने आपको बता दिया कि टीम मेहनत कर रही है, तो बाकी पे दिमाग मत लगाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 699 में पूरा का पूरा कोर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूं, ठीक है, उसमें आपको पूरा GS एकदम फैक्चुअल बेसिस जो आपको जरूरी है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अलग से कोई बुकलेट नहीं, एक ही रामबाण PDF मिलेगी, उसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। रीजनिंग जितनी क्लासेस चल रही उतना पढ़ लो, क्योंकि इसमें मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट नहीं, प्योर रीजनिंग है, उससे आपका काम चल जाएगा। प्योर रीजनिंग मतलब कुछ पार्ट DI का आएगा, ठीक है, कुछ आपके प्रॉफिट लॉस और
एक तरह से बोला जाए परसेंटेज, और जनरल बोल सकते हो नंबर सिस्टम का बहुत सा। तो ये मिला के ओवरऑल डीआई के चार पांच चार क्वेश्चन हो गए, और यहां से आपको सात आठ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहां मैथ्स से रिलेटेड जो जनरल टॉपिक होते हैं वो रीजनिंग में ही आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पे देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। पेपर एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंप्यूटर में क्वेश्चन या जबरदस्त के मैप जो मैंने एएसआई वालों में पढ़ाया था के मैप वहां से क्वेश्चन कि एसओपी क्या है, पीओएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट इसके बारे में पूछा है, जो एएसआई में मैंने पढ़ा तो दिया था लेकिन वहां आया नहीं था, लेकिन यहां पे पूछेगा क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछा है, 80 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद से कंप्यूटर की जबरदस्त पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करना, ये सब बहुत लोग को समझ ही नहीं आता है कैसे होगा, तो इसके ट्रिक होते हैं कैसे आपको करना होता है इनफिक्स से प्रोस्फिक्स, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए कंप्यूटर में तो आपके 9 टॉपिक हैं। कितने 9 टॉपिक हैं, और हर एक टॉपिक से आपका क्योंकि 80 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनेगा, 81 होगा ऑलमोस्ट, हम मान के चले कि 9 के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 81 क्वेश्चन हुआ तो एक का मान लो किसी में कम पूछ दे, तो ओवरऑल 80 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपके 9 क्वेश्चन बनेंगे। हर टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है, चाहे वो नंबर सिस्टम हुआ वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रोग्रामिंग से, ठीक है, प्रोग्रामिंग में स्टैक हुआ, क्यू हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, ठीक है, इन सब के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आए थे कि अगर आपका ओवरफ्लो हो रहा है तो फॉन्ट पॉइंटर किस पर होगा, ठीक है, अंडरफ्लो हो रहा है तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। लिंक लिस्ट में कोई मिडिल में अगर जोड़ना होता है जैसे उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर क्यू कहते हैं, डबल क्यू कहते हैं, अगर मिडिल में कोई डेटा इंसर्ट करना हो तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है एक एक चीज, जो आपका डाटा स्ट्रक्चर लास्ट में यूनिट दिया है उसके क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए। तो इतना आसान भी नहीं है, जो बहुत आसान सोच रहा होगा तो वही मात खाएगा इसमें, क्योंकि 80 क्वेश्चन में अगर आप नहीं कर पाए 70+ 70+ आपके मार्क्स नहीं आए तो ये जान लेना सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसा नहीं है, इस बार कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन कैसे बढ़ा है ये देखो, क्योंकि पिछली बार सिर्फ ओ लेवल और डिप्लोमा वालों को कंसीडर किया गया था, और इस बार जो है ओ लेवल के जितने भी इक्विवेलेंट डिग्री मतलब जितने लोग एएसआई दे रहे हैं दिए हैं वो सभी कैंडिडेट होंगे, लेकिन हाँ कुछ फिल्टर आउट होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर 10+2 है और इसके साथ फिजिक्स और मैथ दोनों आपका सब्जेक्ट होना चाहिए किसमें, 10+2 में। अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बायो मैथ भी पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी भी लिए रहते हैं मैथ भी लिए रहते हैं, तो वो यहाँ पे कंसीडर कर लिए जाएंगे, या कोई बाद में एक सब्जेक्ट मैथ लेकर इंटर कर लेता है तभी भी वो कंसीडर, क्योंकि वहां इसने ये नहीं बोला है कि पीसीएम, उसने बोला 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो वो बच्चे एलिजिबल होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसा नहीं है एएसआई से आउट होंगे, और कुछ नए आएंगे, नए कौन कौन से आएंगे, नए वो आएंगे जो आपके जिनकी हाइट कहीं ना कहीं एएसआई में 165-165 के अप्रोक्स मांगा था, तो हाइट का यहां कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, यहां हाइट का कोई लेना देना नहीं है, तो वो बच्चे आ जाएंगे जिनकी हाइट में थोड़ी कम है वो भी यहां पे कंसीडर किए जाएंगे, तो वो आएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जितना इसमें एएसआई में कंपटीशन था ऑलमोस्ट उसी के अप्रोक्स कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि ओ लेवल के इक्विवेलेंट सभी डिग्रियां मान्य होंगी यहां पर, ठीक। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कैसे होगा। तो पिछली बार ऐसा था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उनको आपको सेकेंड फेज के लिए टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर मेरिट बनेगी। अब जैसे यहां पर 4000 बच्चों को एएसआई के लिए बुलाया जा रहा ना, वहां पर भी ऐसे ही होगा कि 3 गुना बच्चों को, वैकेंसी के 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्षेत्रीय 2000 के अप्रोक्स बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। और 40% इसमें एक चीज और अच्छी है, क्या है कि यहां पर कंपटीशन क्यों बढ़ेगा कि ये 40% ओवरऑल मांगा है, किसी भी मतलब एक तरह से सेक्शन में नहीं मांगा है। क्या होता है कि कुछ बच्चे सेक्शन में लटक जाते हैं, इस बार एएसआई में हुआ ऐसा है कि जीएस वाले पोर्शन में कुछ बच्चे के कट ऑफ नहीं क्लियर हुए हैं इंडिविजुअल, ये दिक्कत आई है, लेकिन यहां पर वो बच जाएंगे, क्योंकि अगर उनको जीएस नहीं भी आती होगी बाकी पोर्शन वो बहुत बेटर कर लिए और ओवरऑल 40% मांगा है इसमें,
अभी कुछ भी हो जाए, नया आ जाए, उसमें नहीं कर सकते। जो पिछली जो नोटिफिकेशन है उसमें तो यही है कि ओवरऑल 40% जो है आपका पूरे पेपर में होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब ये चीजों में आप सिलेबस पे थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूं, तो जो ये जीएस का सिलेबस आपको दिख रहा है जहां से 40 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, सामान्य विज्ञान मैंने बताया, बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस हो जाना, स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य विज्ञान के लिए वही बायो वाला पार्ट है, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ये आपका एनसेट, तो इन पे अभी लास्ट में फोकस होना, शुरुआत इससे मत करना। अगर आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, यहां से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा था, एफडीआई से पूछा था, तो ये पूछेगा, इनका करेंट में भी रोल होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठा देता है। विश्व भूगोल, भारत भूगोल से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक विषय, ये करंट अफेयर है, तो यहां से क्वेश्चन आपके हर परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, आपके बुक्स एंड ऑथर से पूछ सकता है, ठीक है, कि कोई मीटिंग हुई है उससे पूछ सकता है, कोई समझौता हुआ है उससे पूछ सकता है, और उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल, ये ध्यान रखना है, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी उसमें पूछ बोला है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, ठीक है, वो वहीं से क्वेश्चन उठाएगा जो आपके पूछ दिया है, जैसे विशेष जानकारी उत्तर प्रदेश के राजस्व से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आएगा, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से आएगा, भारत के और पड़ोसी देशों के बारे में पूछेगा, यहां से क्वेश्चन एएसआई में पूछा, एसआई में पूछा, कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस एग्जाम में पूछा है, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। कंप्यूटर कौशल आधारभूत जानकारी, यहां देखो, एक तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो पूछता ही पूछता है, जो जीएस वाला पार्ट है उसमें भी एक तरह से बोला जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाए, तो खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी आई है, नई नई, ठीक है, चाहे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं, कभी आप देखोगे वायरस के बारे में पूछ लिया, कभी किसी कोई नया वायरस ट्रेंडिंग में चल रहा है, रैमसम एक बार चला था, तो उस सब की चीजें बारे में पूछ सकता है, कुछ बिटकॉइन हुआ, इन सब चीजों के बारे में जनरली पूछ सकता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है, किसी का नामकरण चेंज हुआ हो, जैसे फेसबुक हो गया, मेटा हो गया इस समय, ठीक है, इन सब चीजें से। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, ये सब आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, और साथ ही साथ साइबर, साइबर सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है आपका, साइबर क्राइम वाला, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा है, प्रीवियस ईयर वाला आप पेपर देखोगे तो उसमें पूछा है कि जो आपके साइबर क्राइम के लॉ होते हैं उसके अंतर्गत पूछा है कि अगर ये कोई काम करता है तो उसको कितने साल की सजा होती है, तो वो सब नोट्स में हम लोग देते हैं, उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो पूरा, क्योंकि बहुत दो पन्ने का होता है साइबर क्राइम वाला। उसके बाद से मेंटल एबिलिटी में आ जाओ, तो मेंटल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है आपका, इसमें मानसिक अभिरुचि नहीं पूछेगा, जनरल से जो रीजनिंग होती है एसआई और एएसआई की, मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट छोड़ दो, एसआई और एएसआई में जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे ही क्वेश्चन यहां से उठाएगा, एनालॉजी के क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शन के बल्क में क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन के बल्क में क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है, मतलब देखा जाए तो डिस्टेंस डायरेक्शन के 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन, तो वेरी करेगा हर में, किसी में कोई टॉपिक जो है बाहर कर देता है तो किसी का अंदर कर लेता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, देखो टॉपिक कहीं बाहर नहीं जाएगा, जितना सिलेबस में टॉपिक दिया वही रहेगा, लेकिन हो सकता है किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में एक दो टॉपिक ना पूछे, और जो पूछ रहा है उससे ज्यादा बल्क में पूछ दे क्वेश्चंस, जैसे एसआई एसआई में ब्लड रिलेशन के 6-6, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस मिले हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन के मिले हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट वाला, ये तीन चीजें तो ध्यान रखो ये सबसे बल्क में रहेंगे, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे इसमें वैरी करता रहेगा क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट रहेगा। एनालॉजी हो गया, कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, तो ये सब आप सिलेबस में आप देख लोगे, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट जो बोला है ना, यहीं से मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ्स के जनरल, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है, हैंडशेक वाले क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में बोला जाता है, एक तरह से बोल सकते हो कि वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है, तो वहां से वो क्वेश्चन पूछ देता है, और डीआई का क्वेश्चन आ जाता है, डीआई के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक, तो ये पार्ट यहां से आप कवर कर लेना कि स्ट्रेटेजिक तरीके से चलोगे, कि रीजनिंग वाला प्योरली रीजनिंग जो पार्ट है यहाँ पे, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, काउंटिंग फिगर, उंगर, सब कुछ आता है, मैंने सिलेबस अलग से डिस्कस किया है कंप्यूटर का भी और रीजनिंग का भी पूरा डिटेल में, उसको जाके आप देख लेना, मैं बस यहां बता रहा हूं कि जितना सिलेबस में होता है उतना क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं खासकर कंप्यूटर कहां से कैसे पढ़ना है वो ध्यान दो, क्योंकि सबसे पहले 80 क्वेश्चन को टारगेट हमें करना है,
ये टारगेट हो गया तो समझ लो आप अचीव कर ले जाओगे। ठीक है, यहां पे नौ टॉपिक में पहले इंट्रोडक्शन है, यहां से नौ क्वेश्चन पूछेगा इंट्रोडक्शन से, तो ये हिस्ट्री से भी पूछता है, उसके उसके जनरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और डिवाइसेस एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सब इसके नोट्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको बताया जाएगा जो क्लास चलती है। ठीक है, और उसको तो मैं ही हैंडल करता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, तो एकदम निश्चिंत रहो, जो मैं पढ़ा दूंगा 100% उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतना जान लो। ठीक है, और ये हुआ है एएसआई वाले बच्चों के साथ, मैंने जो फ्री क्लासेस कराया उससे पूरा का पूरा आ गया, तो अभी तो पेड से तो आया ही आया जो आया। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये टॉपिक आपका एएसआई में नहीं था लेकिन यहां पे है और यहां पे पूछा है, बहुत अच्छे अच्छे ईआर मॉडल क्या होता है, ठीक है, आपका टेबल आरडीबीएमएस किस पर बेस्ड होता है, डीबीएमएस एसक्यूएल क्या है, ये सब चीजें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पूछे हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, तो आप इन सब जो क्वेश्चंस हैं इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि इस टॉपिक को हम नहीं पढ़े तो हमारे क्वेश्चंस हम कर ले जाएंगे, नौ क्वेश्चन सीधे आपके गायब हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, नौ क्वेश्चन बहुत होते हैं, मैं 70+ करने की बात कर रहा हूं, एक टॉपिक छोड़े गए काम से, 70+ से 10 क्वेश्चन पहले ही गायब हो गया, तो इसीलिए पढ़ना हर टॉपिक है और बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके हर टॉपिक का नौ क्वेश्चन एग्जैक्ट हो जाए। उसके बाद से सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस वाला, ये जनरल चीजें हैं, ये आपको जैसे ऑफिस सिस्टम क्या होता है, क्या उसका ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आपके यहाँ पे कैप्चर डिवाइसेस के बारे में होगा, स्टोरेज डिवाइसेस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज कैसे होता है, तो एडर, हाफ एडर, फुल एडर, इन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से ये जनरल है जो एएसआई वाले भी पढ़ते हैं और हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, चाहे वो बैंक वाला चाहे कुछ भी हो, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड वाला जो पार्ट है वो ये है, एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये आपको पढ़ना है, पूरा ऑफिस सूट पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश टू ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज, विंडोज, यूनिक्स, यूनिक कोड के फॉन्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना आपको, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद से नेटवर्क पढ़ना है, इससे भी बहुत अच्छे नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए थे, लैंडमैन वैन से क्वेश्चन आए थे, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। और एएसआई में भी जैसे क्वेश्चन पूछे, एएसआई से लेवल कंप्यूटर का जान लो क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, अगर एएसआई का 10 था लेवल तो इसका मैं बता रहा हूं 17 होगा। ठीक है, 17 से 18 होगा ये लेवल होगा इसका, ये ध्यान रखना। यहां देखो इंटरनेट से ये आपको पूछा जाएगा, इंटरनेट में रिलेटेड चीजें, यूजेस क्या है इंटरनेट के, इंटरनेट के कुछ जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ई कॉमर्स क्या है, ई बैंकिंग क्या है, ठीक है, वॉलेट, वॉलेट से क्वेश्चन पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछता है मैक्सिमम, एनईएफटी का, आरटीजीएस का, ठीक है, यूपीआई आप यूज करते हो उसका फुल फॉर्म पूछता है, ये पूछता है कि सबसे पहले यूपीआई किसने दिया, भीम ऐप को लॉन्च किसने किया, ये सब पूछता है एजेंसियों के बारे में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गई, इन सब चीजों के बारे में आपसे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ये लास्ट यूनिट है जो आपके एएसआई में था, लेकिन यहां से क्वेश्चंस जो हैं एएसआई के पेपर में देखने को नहीं मिले, जनरल क्वेश्चन मिले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करता है, तो ये सब चीजें पूछ सकता है। उसके बाद ये यूनिक्स, लिनक्स, HTML और JavaScript, कंप्यूटर ऑपरेटर में JavaScript के दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे गए थे कि इमेज को लगाने के लिए या आपसे पूछता है कि आउटपुट शो करने के लिए JavaScript में कौन सा कमांड यूज किया जाता है, तो ये डिटेल हो गया, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसके बाद से बुलियन अलजेब्रा, ये मैंने पढ़ाया था एएसआई वालों को लेकिन आया नहीं, लेकिन ये आप में आएगा, दो तो आपका वही पूछा था बुलियन अलजेब्रा के जो है एक तरह से उसको शॉर्ट करने के लिए, उसके बाद से दो आपके ट्रूथ टेबल पूछा था, ठीक है, उसके बाद केमैट के दो क्वेश्चन पूछे थे एसओएस और पीओएस पे, तो दो दो चार दो छह, उसके बाद से एप्लीकेशन बुलियन लॉजिक के 6 2 8, मतलब 9 क्वेश्चन यहां से थे, 100% 9 क्वेश्चन थे। आप पेपर उठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये बुलियन अलजेब्रा वाला पार्ट जो है आपका, और इसे अगर अच्छे से पढ़ लिए तो ऐसा नहीं बहुत डिटेल में आता है कि आपको मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए है और डी मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए है, एडर फुल एडर है, जनरल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है,
मैप भी दे देगा और पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, उसमें सब कुछ अरेंज रहेगा। मान लो जो के मैप है आपका, यहाँ पे आपका सब कुछ आउटपुट अरेंज रहेगा और वहां से पूछेगा कि कौन सा इसमें से ऑप्शन इसको शो करेगा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर से टू डायमेंशन एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ दिया था। जो यहां टॉपिक दिया यही से क्वेश्चन बना लिया कि दो डायमेंशनल एरे कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक, उसके बाद से स्टैक और क्यू से मैंने बताया कि ओवरफ्लो वाला कंडीशन कब बनता है, अंडरफ्लो का कंडीशन कब बनता है, कोई नया ऐड करना हो तब कैसे ऐड करते हैं कोई डेटा को, सर्कुलर क्यू क्या होता है, डबल क्यू क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेसिस पे, कोई प्रोग्रामिंग आपसे नहीं पूछता है तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। वही मैं बता रहा हूं, कितना आपको पढ़ना है वो कैसे पता चलेगा, जब आपको कोई बता पाए कि हाँ पेपर एनालाइज कर पाए आप लोगों को कि हाँ ये चीजें पढ़ना, बस इतने ही पढ़ना है। ठीक, तो उसी अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स दिया जाएगा जितनी आपकी जरूरत है। लेकिन हाँ, इतना जान लो कि आपको मेहनत करना, अगर मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रहा हूं तो आपको 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो मैंने बताया तो कंप्यूटर पे वर्क करना है, तब जाके आप कहीं इसमें 70+ टारगेट कर पाओगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन में अगर 70+ इसमें हो गए और रीजनिंग का जो सेकेंड पे मैं प्रियोरिटी जो बोल रहा हूं 40 क्वेश्चन का, अगर इस 40 क्वेश्चन में आपको नहीं कुछ तो 35 के अप्रोक्स प्लस करना है तो 7, 3, 10, 105 क्वेश्चन आपके यहां पे हो गए हैं और उसके बाद 160 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 160 क्वेश्चन होते हैं, 105 पे आप आ चुके हो, उसके बाद आपके पास 40 क्वेश्चन जीएस का बनता है और 40 में से अगर बीसी मान लें यहां पर तो 125 क्वेश्चन आपके बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। एकदम निश्चिंत रहना कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगला स्टेप टाइपिंग होगा और टाइपिंग में बच्चे छटते हैं, 30 और 25 की स्पीड मांगा है इंग्लिश में, 30 और हिंदी में आपका 25 मंगल इंस्क्रिप्ट वाले फॉन्ट में, जो आपका यहां पर है एएसआई में वही चीज है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको तैयारी शुरू करना है तो लेट ना करो, आज से ही ज्वाइन कर लो और लग जाओ, क्योंकि जब लगोगे तभी जाके समझ में आएगा कि हाँ सिलेबस बहुत बड़ा है। देखने में लग रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे हम तैयार कर लेंगे, तो हवा में नहीं तैयार हो जाता है, जब आप लगोगे एक एक टॉपिक को जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि एक टॉपिक कितना बड़ा है। ठीक, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा, जो मैंने आपको डिटेल में था मैंने सब कुछ बता दिया। बैच चल रहा है, आपको जो डिटेल जानकारी लेना है नीचे दिए गए नंबर है और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट आप परीक्षा, क्योंकि अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 1199 का है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो आप गूगल प्ले स्टोर से, आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा संकल्प बैच ब्लू कलर में। ठीक है, संकल्प बैच पर क्लिक करोगे तो लिस्ट खुल के आ जाएगी और उसी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच होगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच होगा और ये इसकी प्राइस इस समय जो है वो 699 है, एक्चुअल प्राइस जो है 1199 है, ऑफर चल रहा है, जल्दी इसका ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द अगर आप ज्वाइन होते हो उतना ही आपको हेल्प मिलेगा चीजों को समझने में। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है बेहतरीन तरीके से, अभी हफ्ते में 3 दिन चल रही है, अब मैं उसे रेगुलर कर दूंगा, तो इसलिए आप लोगों का ज्यादा छूटे ना, आप लोग तुरंत ज्वाइन करिए ताकि आपको शुरू से हमारे साथ बना रहेगा तो लास्ट भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।